व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। तो अभी 11 AM हो रहे हैं सुबह के, तो अभी सो के उठाया मैं और फटाफट अभी नाश्ता वगैरह करता है। वैसे आज बारिश बता रखी थी बट मौसम देखो इतना क्लीन पड़ा हुआ है, कुछ पता ही नहीं, मतलब पूरी धूप धूप हो रही है इस टाइम पे। बाकी भी बारिश तो आई नहीं यार, मेरे को नहीं लगता बर्फ बर्फ पड़ेगी। मेरे को ऊपर छत पे जाके देखना पड़ेगा, आज शायद माउंटेन्स दिख रहे होंगे तो पता चल जाता है मेरे को घर से ही बर्फ पड़ी है या नहीं पड़ी है। एक बार कॉल करके पूछ लूंगा, बाकी भी ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। क्या बना रखा नाश्ते में? चावल की रोटी और साग और चाय। और बड़ी ये फ्रेम देखो कितना प्यारा लग रहा है, वैसा लग रहा है जैसे पंजाब में नहीं खाते, बिल्कुल वाला फ्रेम। ये घुटवा साग और चावल की रोटी। हाँ आज चावल का पराठा धान की चावल का है। तो चावल से पिसा ना तो धान हो गया ना, धान की रोटी। चावल की कैसे बनाता है? साबुत चावल डाल दूंगी मैं। सुबह के यार नाश्ता भी हो गया बट मैं अभी वो दिखाता हूँ माउंटेन्स, बर्फ पड़ी या नहीं। ये देखो यार माउंटेन्स दिखते हैं यहाँ से। ये भद्राज वाला माउंटेन है, मर बर्फ ही नहीं पड़ी यार। ओम फो। और ये चक्राता वाले माउंटेन्स है ये घर के पीछे, और यहाँ भी बर्फ नहीं पड़ी। ये जनवरी स्टार्ट हो गया और जनवरी में भयंकर बर्फ ही नहीं पड़ रही, तो मेरे को नहीं लगता इस साल बर्फ देखने को मिलेगी यार। बारिश पड़ जाएगी ना तब तो देखने को मिलेगी, अब एक ही ऑप्शन है, बारिश का वेट करना पड़ेगा। क्या करा इसने? एक गमला और तोड़ दिया। 3 दिन हो गए, 3 दिन से गमले तोड़ रही का है वो गिरा हुआ एक। तेरे यही काम है? तीन उस दिन और एक उस दिन, 4 गमले तोड़ दिए इसने। बताओ मम्मी का नुकसान कर रहेगा 3 दिन से लगातार, डंडी से मारो इसे। मम्मी ने बच्चों की तरह रखती है और ये तोड़ रही बार बार। बेटे पिटेगी तू अगर मम्मी के दिमाग में एक बार आ गया। अरे एक वो भी तो है महाराजा तोड़ने वाला। एनु? हाँ। एनु भी तोड़ता है भग भग के कुत्तों के पीछे। वो भी तोड़ेगा। सुन रहा हो? हाँ। को कान खड़े कर रहे हैं सुन रहा हो ना? वहां तक जा रही आवाज। हाँ एनु बोला ना, वो देखो देखो कान कैसे कर रहा हो एनु, कान स्ट्रेट बिल्कुल। बाकी यार अभी मैं नीचे आया, ऊपर छत पे पतंग वगैरह उड़ा रहे थे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा बस एक 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 करके मैंने पता नहीं कितनी सारी उड़ा ली और कटवा भी थी काट भी थी, तो बहुत मजा आता है यार पतंग उड़ाने में। बाकी अभी मैं नीचे इस वजह से आया, ऑस्कर को बहुत टाइम बहुत दिन हो गया मैं ऊपर नहीं लेके गया, दीदी और ही लेके जाती थी, ये बोलता हो कि मेरे को भूल गया, तो अभी इसको ऊपर लेके चलता है। आओ ऑस्कर चल। वो समझ गया देखो ये बस 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 मेरा गंदा हो जाएगा लोवर। चलो चलो। अरे भाई साहब कितने ऊपर कूद रहा तू, जंप कर, जंप 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 जंप। ओ भाई कितनी ऊपर ऊपर। ओ भाई चलो 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 चलो, अच्छा चलो चलो चलो। बाकी यार मैं दो बनाना उठा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जिम का टाइम हो जाएगा, फिर जिम चलेंगे। तो डाइट भी अपनी खा लूंगा ऊपर के ऊपर, और ऑस्कर को भी घुमा लूंगा ऊपर। ऑस्कर इसके ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को तबीयत खराब है इसकी आज? नहीं मगर उछल तो रहा था ये, लग रहा है ऐसा। मगर देखो इसे बाहर छोड़ देना, देखो क्या गंदा गंदा लगा रखा इसने, पूरा गंदा गंदा हो गया, नहलाना पड़ेगा अभी इसे। दिखाओ इधर, ये तो क्या लगा रखा पागल, वो काटे काटे टाइप होते ना वो लग रहे इसके। बाकी यार अब जिम का टाइम हो गया बट मैं जिम जा तो रहा हूँ, मगर मैं वर्कआउट वगैरह नहीं करूँगा। अभी मैं सोच रहा था वर्कआउट करने की बट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ना पूरी बॉडी में ना पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मेरे को फीवर होने वाला है, पता नहीं क्या रीज़न है। बाकी रात को मेडिसिन खा के फिर सो जाऊँगा मैं। बाकी अभी तो ऐसे ही चल रहा है, चिल विल मारने, देखते हैं चाय की जूस की लेंगे आज। तो बाकी अभी चलते हैं, आज वर्कआउट नहीं करूँगा, तो देखते हैं जैसा भी सीन होता है। हाउ आर यू? गुड इवनिंग भैया, कैसे हो? मैं बोल रहा आजकल जिम में लड़कियां वड़कियां आ रही कि जिम स्टार्ट कर दो। आनी थी? अच्छा स्टार्ट अनुज भाई बताना, आनी थी? 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे भाई लड़की का। नहीं आ रही थे हां सच में आ रही भाई, और तुम्हारे मतलब की है ऐसे क्यों दिखा? अरे ये चोट लग गया देखो, कोई इशारा है? ना ये इशारा नहीं है। अभी मैं जिम की छत पे आया और भाई क्या व्यू हो रहा है देखना जरा। अरे भाई अल्टीमेट, अब यहाँ पे रील वगैरह बनाने इतनी मस्त आएगी ना, क्या ही बोलूं मैं। तो रहन दो फिर क्या ही बढ़िया लग रही, देखो ना जो देखो एक बार। अरे अल्लू करा भाई। अरे भाई साहब रील बनेगी एक नंबर। ए सुमित भाई तुम्हारी बाबू बुला रही है अभी तुम्हें। मेरी बाबू है नहीं भाई, तेरी तुम्हारी इनकी बाबू ने अभी आवाज मारी। ओ लग रहे नहीं हीरो लग रहे ना लोंडी हाँ कर देगी आज। हाँ लोंडी हाँ कर देगी ना आज, लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ सच में, जैसे मैं ये व्लॉग डालूंगा कम से कम 10 बार हो गया ऑफर है। धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। क्या बोला तूने? तू ना भी लगता होगा जब भी ऐसे लगता होगा मुझे लग रहा है। कैसा ना बाल बड़े बड़े हैं ना कहेंगे कि द मास्क मैन। हां द मास्क मैन सुमित वो है तुम्हारी बाबू रूट गई हो तुम्हारे से, इसलिए मुंह मोड़ लिया उधर। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप?
वर्ड्स ही नहीं है। आज है सुमित भाई पे पैसा है, आज आज सुमित भाई चाय की चुस्की पिलाएंगे। ब्रो बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल तेज बोलो, तेज तेज बिल्कुल। अब चलो भैया, प्रसाद कहाँ का है यार? ये बालाजी का था। पक्का किसी का है तो नहीं खा लूं? ना भाई मुझे बंद कर दिया, अब खोल तो ऐसे। ओ भाई अब खुला खुलता ही नहीं आ रही है। बस इतना है, मुझे वॉलीबॉल देख के ना अपना याद आ गया, मैं बहुत वॉलीबॉल खेला भाई, बहुत ज्यादा। मजाक कर रहा गाइस दिखाने के लिए। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ना ना कसम से, बस चाय। बाकी सुमित बस चाय नहीं। हाँ अगली बार फिर तेरी बारी है। हाँ तो क्या हो गया, मैंने मना करा? मैंने मना ही नहीं कहा। कुछ और भी बोलो भाई, बिस्कुट। बस भाई ये गलत बात है यार। हाँ लौकी वाले मोमो और वो भी तीन प्लेट। ब्रो जो चाय के पैसे होंगे और एक मोमो प्लेट के होंगे वो आप दोगे, बाकी जो दो मोमो प्लेट के होंगे एक आपके देना एक मेरे को दूंगा। चाय चाय की हुई ना, क्योंकि चाय चाहिए यार, इन पे ज्यादा लोड आ जाएगा यार, समझना चाहिए। तुम्हारा मन भी रख, दिल भी रख लिया मैंने, और अपनी बात बहुत अच्छा है ब्रो। हम कुछ सहयोग देंगे, गरीब गरीब को समझ सकता है क्यों? आओ यार चाय की चुस्की लो पहले, अभी बताता हूँ एक बात। चलो दोबारा से भैया तो ये चुस्की ले रहे यार। ये बताओ कैसा लग रहा है मेरे को? कब चिराग 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 जैसा लग रहा है। अलादीन वाले चिराग में वो कितने बड़े हो जाएंगे बचपना, मेरा तो जाने नहीं वाला। आपका चला गया, कब गया? बहुत दिन हो गए भैया, कह रहे खुले हुए मोमो, तुम बोल रहे कच्चे है, वो क्या रहा है यार? जो आपकी ये विंडो नहीं खुलती ना, मान लो अगर कभी इमरजेंसी हो, फटाफट भागना पड़े, कुछ बात हो जाए, ऐसा तो कॉल ले रह जाएगा पीछे, एक आदमी अंदर जाएगा कॉल का आएगा पहले, और हम दोनों निकल भी जाएंगे पीछे वाला भैया रोड पे कि कहाँ घर जाके देख रहे कहाँ गया, वो तो वही है। टाटा गुड नाइट। तो बाकी यार आज जिम तो गया नहीं था मैं, मगर मैं अभी डाइट लेके आया, पनीर 100 ग्राम तो पनीर खाएंगे अभी। मैं डर गया भैया, अरे आग पे लाइट लग रही थी ना, मैंने एकदम ये देखी थी कि ये नाना ये देखी ना, मैंने कहा क्या जानवर सा बैठा हुआ है, भयंकर डर गया एकदम। आंख में वो लग रही थी ना, अंधेरा अंधेरा ऐसा नहीं होता आंख में, ऐसा हो गया था। तो बाकी यार मैं पनीर ले गया अभी, तो कल जाएंगे जी पूरे से। मेरे मम्मी पूरे बॉडी में पेन सा हो रहा, क्यों अकड़ रहा शरीर। सुबह की यार आज खाने में बनाया पनीर जो मैं लाया था और रोटी, बाकी मम्मी देख रही है इधर राधा कृष्णा। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना किस किस की मम्मी राधा कृष्णा देखती है, मम्मी तो डेली देखती है। बाकी आज के ब्लॉग में ये था जो आपने देखा, बाकी अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी दिस ऑल फॉर द ब्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय।